नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं हूँ विरजी मेघवन से आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश राज्य के आजमगढ़ रेलवे स्टेशन से दिल्ली राज्य के ओल्ड दिल्ली जंक्शन तक चलने वाली कैफियत सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे इस ट्रेन की बेसिक जानकारी, इस ट्रेन की कोच की संख्या और कोच पोजिशन के बारे में, इस ट्रेन के किराए के बारे में और इस ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि अपने भाई को मोटिवेशन मिलता रहे। इस ट्रेन का इनॉग्रेशन 28 सितंबर 2003 में हुआ था। यह ट्रेन उत्तर प्रदेश राज्य के आजमगढ़ रेलवे स्टेशन से दिल्ली राज्य के ओल्ड दिल्ली जंक्शन तक चलती है। इस ट्रेन का नंबर है 12225। इस ट्रेन की रिटर्न जर्नी रहती है ओल्ड दिल्ली से आजमगढ़, जिसका नंबर है 12226। इस ट्रेन को कैफियत सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के नाम से जाना जाता है। यह ट्रेन आजमगढ़ से ओल्ड दिल्ली तक तकरीबन 800 किलोमीटर अंतर 14 घंटे और 40 मिनट में तय करती है। इस ट्रेन की एवरेज स्पीड रहती है 55 किलोमीटर पर आवर और इस ट्रेन की मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड रहती है 130 किलोमीटर पर आवर। इस ट्रेन को सुपरफास्ट ट्रेन की कैटेगरी में डाला गया है। यह ट्रेन सप्ताह में 7 दिन चलने वाली दैनिक ट्रेन है। इस ट्रेन को आजमगढ़ से ओल्ड दिल्ली तक ले जाने के लिए गाजियाबाद लोको शेड का WFE-7 या फिर WFE-5 लोकोमोटिव लगता है। इस ट्रेन को नॉर्थन रेलवे जोन ऑपरेट करता है। इस ट्रेन में LHB श्रेणी के 22 कोच लगते हैं, जिनमें फर्स्ट क्लास AC का 1, सेकेंड टायर AC का 1, थर्ड टायर AC के 6, थर्ड टायर इकोनॉमी का 1, स्लीपर के 6, जनरल के 4 और EOG के 2 कोच शामिल रहते हैं। इस ट्रेन की कोच पोजीशन अभी मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ, तो कृपया पॉज करके देख लीजिएगा। अब बात करते हैं इस ट्रेन के किराए के बारे में, जिनमें आजमगढ़ से ओल्ड दिल्ली तक का स्लीपर का किराया रहता है 435 रुपया, जिनमें बेस किराया, रिजर्वेशन चार्ज और सुपरफास्ट चार्ज शामिल हैं। AC थर्ड टायर का किराया रहता है 1150 रुपया, AC सेकंड टायर का किराया रहता है 1635 रुपया और AC फर्स्ट क्लास का किराया रहता है 2770 रुपया, जिनमें बेस किराया, रिजर्वेशन चार्ज, सुपरफास्ट चार्ज और GST शामिल हैं। दोस्तों, वक्त के साथ ट्रेन की बेसिक जानकारी, कोच की संख्या और कोच पोजीशन, किराया और टाइम टेबल में बदलाव हो सकते हैं, तो कृपया अपनी जर्नी स्टार्ट करने से पहले IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट पे कंफर्म जरूर कर लीजिएगा। यह ट्रेन दो राज्यों को जोड़ती है, जिनमें उत्तर प्रदेश और दिल्ली राज्य शामिल है। इस ट्रेन की जर्नी उत्तर प्रदेश राज्य के आजमगढ़ रेलवे स्टेशन से शाम को 4:25 पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 से शुरू होती है। इस ट्रेन का पहला स्टॉपेज रहता है सरायमीर। सरायमीर स्टेशन पर यह ट्रेन शाम को 4:50 पे पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 4:52 पे रवाना हो जाती है खोरासन रोड स्टेशन के लिए। खोरासन रोड स्टेशन पर यह ट्रेन शाम को 5:05 पे पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 5:07 पे रवाना हो जाती है सागंज जंक्शन के लिए। सागंज जंक्शन पर यह ट्रेन शाम को 5:35 पे पहुंचती है। 25 मिनट के होल्ड के बाद शाम को 6 बजे रवाना हो जाती है मलिपुर स्टेशन के लिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सागंज जंक्शन पर अपनी इस ट्रेन का लोकोमोटिव रिवर्स होता है, यानी कि अपनी यह जो ट्रेन है रिवर्स डिरेक्शन में चलेगी। मालेपुर स्टेशन पर यह ट्रेन शाम को 6:20 पर पहुँचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 6:22 पर रवाना हो जाती है अकबरपुर जंक्शन के लिए। अकबरपुर जंक्शन पर यह ट्रेन शाम को 6:38 पर पहुँचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 6:40 पर रवाना हो जाती है अयोध्या जंक्शन के लिए। अयोध्या जंक्शन पर यह ट्रेन शाम को 7:22 पर पहुँचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 7:24 पर रवाना हो जाती है अयोध्या कैंटनमेंट जंक्शन के लिए। अयोध्या कैंटनमेंट जंक्शन पर यह ट्रेन शाम को 7:48 पर पहुँचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 7:50 पर रवाना हो जाती है रुदौली स्टेशन के लिए। रुदौली स्टेशन पर यह ट्रेन रात को 8:28 पर पहुँचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 8:30 पर रवाना हो जाती है बाराबंकी जंक्शन के लिए। बाराबंकी जंक्शन पर यह ट्रेन रात को 9:39 पर पहुँचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 9:41 पर रवाना हो जाती है बादशाह नगर स्टेशन के लिए। बादशाह नगर स्टेशन पर यह ट्रेन रात को 10:23 पर पहुँचती है। 3 मिनट के होल्ड के बाद 10:26 पर रवाना हो जाती है ऐशबाग जंक्शन के लिए। ऐशबाग जंक्शन पर यह ट्रेन रात को 11:05 पर पहुँचती है। 10 मिनट के होल्ड के बाद 11:15 पर रवाना हो जाती है उन्नाव जंक्शन के लिए।
उन्नाव जंक्शन पर यह ट्रेन रात को 12:08 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 12:10 पर रवाना हो जाती है कानपुर सेंट्रल के लिए। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर यह ट्रेन रात को 12:40 पर प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर पहुंचती है। 5 मिनट के होल्ड के बाद 12:45 पर रवाना हो जाती है इटावा जंक्शन के लिए। इटावा जंक्शन पर यह ट्रेन रात को 2:13 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 2:15 पर रवाना हो जाती है अलीगढ़ जंक्शन के लिए। अलीगढ़ जंक्शन पर यह ट्रेन सुबह 4:30 पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 4:32 पर रवाना हो जाती है गाजियाबाद जंक्शन के लिए। गाजियाबाद जंक्शन पर यह ट्रेन सुबह 6:23 पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 या फिर 5 पर पहुंचती है। 2 मिनट के होल्ड के बाद 6:25 पर रवाना हो जाती है इस ट्रेन की आखिरी मंजिल के लिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गाजियाबाद जंक्शन जो है उत्तर प्रदेश राज्य में अपनी इस ट्रेन का आखिरी स्टेशन है। इस स्टेशन के बाद अपनी यह जो ट्रेन है दिल्ली राज्य में ट्रैवल करेगी। दिल्ली राज्य में इस ट्रेन का पहला और आखिरी अंतिम स्टेशन रहता है ओल्ड दिल्ली जंक्शन। ओल्ड दिल्ली जंक्शन पर यह ट्रेन सुबह 7:05 पर पहुँचती है और इस ट्रेन की जर्नी यहीं पर समाप्त होती है। अपनी यह ट्रेन आजमगढ़ से ओल्ड दिल्ली तक तकरीबन 800 किलोमीटर अंतर तय कर चुकी होती है। इस ट्रेन के बारे में बताऊं तो इस ट्रेन में पेंट्री कार की सुविधा नहीं दी जाती, ऑनबोर्ड और ई कैटरिंग की सुविधा दी जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिएगा। वीडियो में कुछ भी बदलाव चाहते हो तो कृपया कमेंट कीजिएगा। और ऐसी रेलवे से जुड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।